इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके व्हाट्सएप में पुराना से पुराना फोटो और वीडियो अगर डिलीट हो गया है और आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में 100% मैं आपको वापस ला के लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो देखे होंगे लेकिन कहीं भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला है, तो वीडियो को कम्प्लीट ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने भाई के चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे ऑल फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप फाइल को देख लेना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंड्रॉइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए com.whatsapp का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सभी चीज दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं व्हाट्सएप इमेज पे क्लिक करता हूँ, जो भी मेरा इमेज व्हाट्सएप से डिलीट हो गया उसको मैं वापस लाना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप प्राइवेट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे जितना लोग फोटो भेजे हुए हैं, भले आपके व्हाट्सएप से आपके गैलरी से वो फोटो डिलीट हो गया है, फिर भी जितना लोग फोटो भेजे हुए हैं सारे फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी फोटो को वापस लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पे देखिए चंद सेकंड लोडिंग लिया है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके गैलरी में वो फोटो चला जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक फोटो पे क्लिक करता हूँ। फोटो पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं बैक आऊंगा तो देखिएगा थोड़ा सेकंड लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे लोडिंग लिया है, उसके बाद ये फोटो आपका सिंपली गैलरी में सेव हो गया है। यहाँ पे अगर आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी तक आप व्हाट्सएप से जितना लोगों के पास फोटो भेजे होंगे सभी फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें से भी कोई भी फोटो को वापस लाना चाहते हैं तो सेम उसी तरह आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से बैक आ जाएंगे तो ये फोटो भी आपका ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ, आपको वीडियो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप वीडियो पे देखिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइवेट का और सेंड का। इसी तरह अगर आप वीडियो भी वापस लाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप वीडियो भी वापस ला सकते हैं। जितना भी आपका व्हाट्सएप से डिलीट हो गया फोटो वीडियो मैसेज ऑडियो सब कुछ आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। बात ये रहता है कि आपके व्हाट्सएप से और आपके गैलरी से डिलीट हो जाता है लेकिन इस फाइल में सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, यहाँ से डिलीट नहीं होता है जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताया हूँ केवल व्हाट्सएप से डिलीटेड फोटो और वीडियो को आप वापस ला सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये ट्रिक आपको पहले से पता था या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।